चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक नेता बहुत कह रहे थे कि जाट साथ है, जाट बिल्कुल नहीं जाएगा, ना जाट हिंसा करता है ना करवाता है, जाट अपने घर पे। ये झगड़े और सरकार से 10 गुने बढ़ रहे। अरे भाई, जो सरकार का काम है, अरे यहाँ तो चलने का नहीं, हमारे पश्चिम में तो चले ही नहीं, ये करके भी देख लियो। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का ये हाथी करौदा गाँव है। मैं आपको बता दूँ कि पूरे देश में पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हिंसाएं बढ़ रही है, दंगे फसाद आपको पूरे देश में देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग खबरें जगह से आ रही है। हाल ही में आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के मेवात में नू में जहां पर कई सारी हिंसाएं हुई हैं, लोग मरे हैं, लोग घर से बेघर हुए हैं। हम आज इन्हीं हिंसाओं को लेकर, ऐसी घटनाओं को लेकर बातचीत करेंगे। आज हाथी करौदा गांव में हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद है, गांव के लोग हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी हिंसा और घटनाओं के पीछे किस तरह की साजिश, किस तरह का नज़रिया लोगों का रहता है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम भाई आपका? जी मेरा नाम प्रभात मलिक है। प्रभात भाई, क्या लगता है कि आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में कई जगह हिंसाएं लगातार बढ़ रही है, हरियाणा का भी एक अभी हाल ही का मामला है, चाहे आप मणिपुर देख लो, उधर भी हिंसाएं लगातार हो रही है, इनके पीछे आप कैसे देखते हैं, क्या क्या आपका नज़रिया है? देखिए, हिंसा और कोई भी आक्रोश, धरना प्रदर्शन या अनिश्चितकालीन हो या कैसा ही धरना प्रदर्शन हो, ये सरकार के अंडर में आता है और सरकार ही तय करती है, सब चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है। अभी हिंसा हो रही है, आपने हरियाणा का जिक्र किया, मैं आपको पहले ले जाना चाहूँगा आपके मणिपुर में। मणिपुर में इतना बड़ा आग लगी, हर चीज़ हुई, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसी की नहीं मानी गई। मेवात में सब सरकार का करवा हुआ है, मैं खुले मन से आपको कहना चाहता हूँ, सरकार का इसलिए करवा हुआ है। अभी मोनू मानेसर का नाम भी आया था सामने, उसका नाम मोनू यादव है, मानेसर का रहने वाला है। सरकार इन बातों पर गौर करें और वहाँ पर जावे, सरकार के कोई भी नेता हो। हम देखें, सरकार का विरोध नहीं करना चाहते क्योंकि हिंसा का मामला है, मन में बहुत दुख है, हमारे भी वहाँ पर साथी मौजूद हैं, वे सब हमें बताते हैं। मेवात में सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश इसलिए है, सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर कुछ टिप्पणी करते हैं, वहाँ फोर्स तो लगा दी, सब चीज़ कर दी, हिंदू मुस्लिम पे फिर उड़ जाना चाहते हैं और एक जाति विशेष का नाम देते हैं, कह लेंगे जाति विशेष हमारे साथ रहेंगे। मैं आपको बता दूँ, जाट, इन्होंने कहा कि जाट जाति हमें संयोग दे। 2013 का दंगा आपको याद होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, देखे सरकार तय करती है 2013 के दंगों को, क्या कितना नुकसान हमारी जाति को हुआ, बिरादरी को हुआ। 2016 का जाट आरक्षण आपको हरियाणा में याद होगा। अभी मेवात में जाटों को फिर बिठवाना चाह रहेगा, हिंदू मुस्लिम फिर करवाना चाह रहेगा। मैं आपको ये सीधा आपको बात बता दूँ, एक नेता बहुत कह रहे थे कि जाट साथ है, जाट बिल्कुल नहीं जाएगा, ना जाट हिंसा करता है ना करवाता है, जाट अपने घर पर है। अच्छा, ताऊ जी क्या नाम था मुझे आप? वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि देश में लगातार अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी हिंसाएं हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, और आप यहाँ पश्चिम यूपी के किसान हैं, हाँ जी, आप कैसे देखते हैं इन हिंसाओं को? ये सरकार प्रायोजित है और सरकार का इसमें जो है लाभ है, हिंदू मुस्लिम में कम्युनिटी को जो है बांट कर जो है राज करने का वो है। और रही मेवात की, आपको बताऊँ, राणा सांगा जो था और बाबर का युद्ध जब हुआ तो हसन अहमद हसन मेवाती जो है वो सेनापति था राणा सांगा का, और उस राणा सांगा के सेनापति को बाबर ने वो भेजा था कि कुछ 2 रुपये ले देगा, मैं मान लर तू मुस्लिम भाई है और मेरे पक्ष में आने का लड़ाई कर। उनने कहा था कि सिर कलम हो जाएगा पर लड़ूंगा जो है राणा सांगा की तरफ से। वो बहादुर के साथ लड़ता हुआ मर गया और जितने राणा सांगा के आसपास के थे हमारे भाई राजा, वे सारे बाबर की गल रहे। उस टाइम में बात क्यों नहीं याद करा जा रहा जब कहाँ था हिंदू मुस्लिम? तो ये सरकार प्रायोजित है, ये बहुत गलत है। किसी भी कम्युनिटी का आदमी जो इस किस्म के काम कर रहा और ऐसी राजनीति को जहन्नुम वगैरह जो ऐसी राजनीति करके देश की राज भी मिला, इंसान नहीं कर सकता इतनी गंदी राजनीति।
एक आदेश करेंगे, कहने का गले में माला घेर के जो है चले और माने सर को जो है कह दिया, कहना साले तू ना ये बिल्कुल भी, तू फंस जाएगा। वो उनका सबसे खास आदमी है तो उसे फंसा दिया और वो बिट्टू पिट्टू जो है वह हटा दिया। कहने लगा थारा जमा लग रहा जो है माला जो है तैयार रखो। देश तो पूरी सांझी शहादत सांझी विरासत से बना है, भाईचारे से हिंदू मुस्लिम लोगों ने साथ मिलकर इस देश को बनाया, लेकिन अब देश में ऐसी स्थिति किस लिए पैदा हो रही है जहाँ पर इस तरह के झगड़े या दंगे फसाद देखने को? इससे वोट बना है, इससे जो है मंदिर में कोटे होने के नाम के सोप आ जाएंगे। हम तो आ जाए समाजी, हम तो मंदिर को मानते हैं, मस्जिद में ना कभी जाते, ना हमारा मतलब ना कुछ धरा इनमें। जो इन मंदिर मस्जिदों में कुछ धरा होता, अत बाबर हरने इतने मंदिर तोड़े, उनकी साथ पीढ़ी राज कर जाती गए। हाँ, पर पब्लिक का गांठ रहे जो है अग मंदिर में धरा, क्या धरा इनमें, कुछ भी धरा, अपने मन में धरा, जो भी है जो भी काम करना घरु करो, भगवान जो है घरु बट्टा सर्वत्र है। हमारा धर्म भी कह रहा, मुस्लिम धर्म भी कह, भगवान सर्वत्र है, कोई रंग है न रूप है। भावजी क्या नाम आपका? क्या धर्मपाल सिंह है जी। धर्मपाल जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप देख रहे होंगे कि लगातार कहीं ना कहीं हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं, देश में क्या स्थिति हो गई है? इसको ऐसा है जी, 24 का चुनाव आने वाला है और 24 के चुनाव में ये जो मामले सत्ता है जब भाजपा की, ये चारी इसमें झगड़े फिसाद करके हिंदुओं को अलग कर दो और मुस्लिमों को अलग छोड़ दो, उसका लाभ लेना चारी पब्लिक को बिड़ा के धीरे धीरे बढ़ते जा रहे रोज। जब ये कहे थे हमने हिंदुस्तान में सब क्लेम हटा दिए, सब फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, ये झगड़े और सरकार से 10 गुने बढ़ रहे, ये सरकार के कराए हुए हैं। मेवात में जो झगड़ा आया वो मान लिया, वे अपने घर में है कोई भी आदमी, और वे कह रहे आओ साड़ो मारेंगे या मुल्लास्ता में नू कर देंगे, साले सूर हैं फुलाना, क्या जोश नहीं होगा उन्हें? ये जानबूझ के सरकार ने कराया है ताकि 24 के इलेक्शन में हिंदुओं को एक जोड़ दो, लेकिन हिंदू सब नहीं जुड़ने के, हरिजन भी हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, उन पर भी अत्याचार हो रहे। और जो इसमें अभी वो मणिपुर में लड़कियों के देखे पीटते हुए हमने टीवी पे, अब वो बैठा रखी और बाढ़ पाड़ का खड़ी कर दी, पीछे लात मारी, उसका मुंह धरती में लगा, फिर बट्टी करी, फिर गोली मार दी, कपड़े फाड़ दिए। अच्छा भाई क्या नाम आपका? रविंदर है जी। रविंदर भाई मुझे एक चीज़ बताइए, जो हरियाणा मेवात में जो हिंसा हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है? वो तो सरकार की वो है साजिश, सरकारी करवा रही जो भी करवा रही। यहाँ भी 13 में था, इनका पापंजे लग गए थे 13 में, दंगा हो गया था और इन्हें कौन पूछ रहा था, इन्हें दंगों में मजा आवे, दंगों तो इनकी सरकार बने भाई, ये हरियाणा में चुनाव है, ये वहाँ भी ने दंगा ही करवाया, अगर सोच रहे हट का फेर ही नहीं आ जा, हिंदू मुस्लिम का बढ़ावा करवाया कर, बस अपना सोच रहे भाई अटका दोबारा तो फिर बीजेपी की सरकार आ जाए। क्या नाम है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र भाई क्या लग रहा है मेवात जैसी घटनाओं पर आपका क्या नज़रिया है? यूपी में और हरियाणा में जो चीज़ें हो रही है यूपी में आप कैसे देख? यूपी में तो 13 में हो लिया था, मेवात में तो कुछ भी नहीं आता, दंगा तो 13 में यहाँ हो लिया था, उसका हमने वो देख लिया जितना हमें उसका नुकसान हुआ, मुश्किल से हमारे दिल में ले भी जा, ना हम हिंदू है ना मुसलमान, हम तो जाट हैं, सिद्धम सीधे है, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, आगे भी 3 पीढ़ी रहेगी जैन थर की साथ ही। भाजपा कुछ भी कर लो, भाजपा का अगर आप नीचे गिरना शुरू हुआ झूठ बोल के, एक बार काट के अंडे एक बार चढ़े, दो बार चढ़ ली, इनकी तीसरे चढ़ने की। रही बात यूपी की, यूपी में आप हमारे जिले तो शामली मुजफ्फरनगर में देख लिया भाजपा का हाल, क्योंकि अभी तो सिक्के हम शामली बिल्कुल सफाया, मुजफ्फरनगर की 2 सीट ली थी, 2 में तभी एक खोस ली हमने, अब का सारी खोस संग, ये दंगा करवा लो, जाट तो दंगा करा नहीं और में हिम्मत है नहीं। यूपी के लोग कैसे समझ रहे हैं जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही है, चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो? देखो हमारी बात सुनो, ये जो घटना करे सरकार की सोची समझी रणनीति है, ये छोटे छोटे उसे लड़ाओगे, जैसे मणिपुर में 2 बिरादरी वहाँ कुकी और मैतुई दोनों भिड़ा दिए, अक एक जाति मिल जाएगी, इन्हें कुछ नहीं मिलना वहाँ से। लेकिन वही जैसे यूपी की भी मैं बात करूँ, जो किसानी कास्ट है, जो किसानी बिरादरी है, एक तरह से जाट हो गुज्जर हो या जो भी उसमें आता है, ये लोग कहते हैं कि सब लोग हिंदू है और हिंदुत्व के लिए आगे आना नहीं, चाहिए। हमारी कौम है मार्शल, हमारी कौम है मार्शल, हम हिंदू से भी अलग है, हम एक जाट, हम अपनी आन बान शान के लिए मर तो सके, समझौता नहीं करते कभी। 2013 का दंगा हुआ था, जो मुस्लिम उजड़ गए थे उन्हें मुस्लिम बिरादरी ने मकान भी दिया, सब चीज़ दी और वे आबाद करे,
क्या कोई सा हिंडड़ा जो है जट्टू के लिए भी यहाँ सिख मैदान में उनके जो है वहाँ सिख मिलाई पे भी गा के कोई एक भाजपा का नेता इस सात कंबल लेकर कहा था सात कंबल में जो है वे जो घर बर्बाद हो गए आबाद करने की सोची कोई सिर्फ हिंदू ने ना कैसे हिंदू हम जाट हैं तो ऐसी चीजें यूपी में संभाल ली जाएगी जैसे पहले 13 में भी दंगा करा दिया गया दंगा भुगत लिया भाई एक बार असल दंगा तो कहीं होने का बनता यहाँ गया था वो दंगा तो सरकार ही ले आया भाजपा की वो 13 का दंगा ही इनको लिया था और यू दंगा न पी जाएगा कर्नाटक कर लूंगा तो आगे समझ रहे हैं लोग समझ गए तो यहाँ के जाकर भी जानेगा गड़बड़ों में खड़े हैं ये हम यहाँ क्यों मारे हैं। जब आप अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं चाहे किसान आंदोलन हो चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो तो तब सब हिंदू कहाँ चले जाते हैं जी जीव तो हम हिंदू नहीं रहते जीव तो मातावादी बना जाए कोई चौधर पर टीलेगंज जाता है एक मिनट वहाँ से और परनासा गे रहे ढूंढा ठहरे क्या मंदिर की पीढ़ी उनकी परनासा गे रहे ढूंढा ठहरे अरे जिसे गाड़ी देंगे वो कुछ तो कहेगा नहीं मानते तुम किसी के बाहर आके खड़े हुए गाड़ी दो कुछ तो कहेगा अरे भाई तो सरकार का काम है अरे यहाँ तो चलने का नहीं हमारे पश्चिम में तो चले ही नहीं ये करके भी देख लियो पश्चिम में चलने का नहीं और जो तोले हले बैठे तो झगड़े में पाएगा थोड़े नाइट बता देंगे मैं बता रहा हूँ खुली हम भी जाते हैं मतलब पंचायत है महापंचायत है रेल में जा रहे अगर लखनऊ जाना किसी किसान का इतना बहुत नहीं है कि वो अपनी गाड़ी से लखनऊ जाएगा दूसरा बिजनेस होगा जब भी वो गाड़ी मोटरसाइकिल का खर्चा उठ सकता है किसान की नहीं रही कि उठ सके रेल में जाएंगे तो हमें रेल में चढ़ने से पहले सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं ये सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेगा ये भी ठेकेदार बनेंगे क्या हमारे हमें सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं अभी क्या हुआ रेल में जवान कह रहा यार खुद पुलिस वाला कह रहा कह लगे हिंदुस्तान में रहना होगा मोदी जी कहना होगा वो मरा पड़ा कहाँ का कानून है भाई क्या यूपी में ये चीज़ें समझ आ रही है लोगों को या नहीं सब समझ में आ रही मोदी जी तो जाएंगे उन्हें फुर्सत नहीं रोज बाहर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में थे जिला शामली का ये हाथी करोदा गांव में हमने यहाँ गांव के लोगों से किसानों से बातचीत की कि देश में बढ़ती हिंसा को लेकर क्या लोगों का मानना है क्या सोचना है लोगों का कहना ये है कि इस तरह की जो नफरती राजनीति है वो देश में नहीं चलेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ये नफरत की राजनीति 2013 में भी झेल चुका है लेकिन अब आगे ऐसी गलती नहीं करेगा लोग भाईचारे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहे शीशे से आप लोग भी आपको उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी धन्यवाद अच्छा जी शुक्रिया बाबू हाँ जी हाँ देश का प्रधानमंत्री।